Hello friends, welcome to Essentials of Medical Science. My name is Mohit. I'm a third year medical student in a government medical college, and in this video we will talk about right atrium. तो बेसिकली हम राइट एट्रियम पे डायरेक्टली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बाकी जो पार्ट है हर्ट का, अगर हम बात करें इससे पहले की जो एनाटॉमी है, बॉर्डर्स कितने होते हैं, जो भी बेस ऑफ द हर्ट, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो आप इजीली आप डायग्राम भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है राइट एट्रियम, क्योंकि ये जो है ये प्रोफ एग्जाम में भी आ सकता है राइट एट्रियम के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले राइट एट्रियम से. तो राइट एट्रियम की अगर हम बात करें, नॉर्मल सा अगर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूँ हर्ट का, तो ऐसा सा हर्ट हम बनाते थे, ठीक है. यहाँ से ऐसे एओर्टा जाता था, ठीक है, इस तरह से ये एओर्टा चला गया, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, नीचे से यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा, तो इस तरह से होता था. तो ये होता था हमारे पास राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल. लेकिन ये होता था 11th 12th तक, ठीक है. उसके बाद अब आप MBBS में आ गए हो, अब ये हर्ट नहीं होता हमारा. हर्ट का डायग्राम अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक पिक्चर के थ्रू, तो उसकी वेट करना. अभी आपको एक चीज़ तो पता है, राइट एट्रियम नाम में ही राइट वर्ड है, तो कौन सी साइड में होगा? राइट साइड में होगा. ये तो सबसे इजी जो बात हो सकती है ना MBBS में, वो यही है. तो राइट एट्रियम है तो राइट साइड में होगा. तो इसकी पोजीशन है राइट अपर चैम्बर ऑफ द हर्ट. ये भी आपको पता है कि एट्रियम ऊपर की तरफ होता है, वेंट्रिकल नीचे की तरफ होता है. तो राइट वर्ड तो यहाँ से आ गया, राइट अपर ऊपर की तरफ होता है, हमें पता है. तो ये राइट अपर चैम्बर ऑफ द हर्ट है हमारा राइट एट्रियम. ये बनाता है राइट बॉर्डर, पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर, स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड बेस ऑफ द हर्ट. ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, अभी बस सुनते जाओ. क्या क्या बनाता है राइट एट्रियम? राइट एट्रियम बनाता है राइट बॉर्डर ऑफ द हर्ट, अपर बॉर्डर जो है हर्ट का उसका थोड़ा बहुत पार्ट बनाता है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो है हर्ट का वो भी बनाता है राइट एट्रियम, और बेस ऑफ द हर्ट में भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देता है हमारा राइट एट्रियम. सो राइट एट्रियम इट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राइट बॉर्डर, पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर, स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड बेस ऑफ द हर्ट. तो ये चारों जो पार्ट्स हैं हर्ट के, इसमें कहीं ना कहीं राइट एट्रियम का रोल आता है, ये बात ध्यान रखना, अभी डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा. सेकेंड, हम बात करें फंक्शन क्या है राइट एट्रियम का, तो ये तो 11th 12th के 8th 9th के बच्चे को भी पता होगा. राइट एट्रियम का काम क्या है? राइट एट्रियम सबसे पहले राइट साइड में क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. तो बेसिकली यहाँ पे वेनस ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाला है राइट साइड में. तो राइट एट्रियम क्या करता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के पास आता है या फिर वेनस ब्लड जो राइट एट्रियम के पास आता है, इसका काम सिर्फ होता है उसको राइट वेंट्रिकल को देना, ठीक है. तो राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको ये राइट वेंट्रिकल को दे देता है, तो यही काम है इसका. तो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है राइट एट्रियम का? इट रिसीव्स द वेनस ब्लड फ्रॉम होल बॉडी. जितना भी वेनस ब्लड आ रहा है पूरी बॉडी से, वो सबसे पहले जाता है राइट एट्रियम में, ये बात ध्यान रखना. उसके बाद राइट एट्रियम उसको पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है. तो राइट एट्रियम ने पंप कर दिया राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड और राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग. तो राइट साइड में जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्स होती हैं, तो उस ओपनिंग को ट्राइकस्पिड ओपनिंग बोलते हैं, या फिर राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग है, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग. तो इसके थ्रू, मतलब ट्राइकस्पिड और राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग के थ्रू, जो राइट एट्रियम है वो वेनस ब्लड को पंप कर देता है, ब्लड किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर. तो बेसिकली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है ट्राइकस्पिड ओपनिंग के थ्रू, सिंपल सी बात थी. अब उसके बाद क्या होता है, अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा, वहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा एक तरह से. तो ये फंडा हमें पता है. अब चलते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की तरफ. तो एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें, राइट एट्रियम को अगर आप बाहर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? इट इज़ एलोंगेटेड वर्टिकली. मतलब एक तो होगा इस तरह से एलोंगेशन होना, ठीक है, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एलोंगेशन. और एक कोई चीज़ इस तरह से ऊपर की तरफ थोड़ी सी एलोंगेट हो रखी हो, तो इसे जो ये वाली जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं एलोंगेटेड वर्टिकली. तो हमारा राइट एट्रियम जो है वो होता है, इट इज़ एलोंगेटेड वर्टिकली. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊपर नीचे से इसको दो चीज़ें खींच रही होती हैं, एक तरह से यूँ समझ लो बीच में एट्रियम है, दोनों तरफ से कोई इसको खींच रहा है, तो इसको कोई साइड से नहीं खींचता, ऊपर नीचे से खींचा जाता है. तो इसी वजह से ये एलोंगेटेड होता है वर्टिकली. कौन खींचता है? ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा आती है और नीचे से इन्फीरियर वेना कैवा आती है. ऐसा नहीं है कि वो दोनों इसको खींच रही हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था आपको. राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ से आती है सुपीरियर वेना कैवा और नीचे की तरफ से आती है इन्फीरियर वेना कैवा. तो अगर आपसे कोई पूछे कि सुपीरियर वेना कैवा कहाँ से आ रही है, तो वो अपर एंड से किसके अंदर ड्रेन कर रही है ब्लड को? राइट एट्रियम में ड्रेन कर रही है. और इन्फीरियर वेना कैवा नीचे से ड्रेन कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें? राइट एट्रियम में. तो ये हो गया हमारे पास पहला एक्सटर्नल फीचर. अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल फीचर पे, वो है हमारे पास अपर एंड इज प्रोलोंग टू द लेफ्ट फॉर्मिंग राइट ओरिकल. जो अपर एंड है एट्रियम का,
जो हमारा राइट एट्रियम है उसका अपर जो एंड है वो लेफ्ट तरफ थोड़ा सा एलोंगेट होता है, मतलब ये ऐसे समझ लो ये राइट एट्रियम है हमारा, ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है, तो जो अपर एंड है वो थोड़ा सा इस तरह से एलोंगेट होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, इस एलोंगेशन को हम बोलते हैं राइट ओरिकल। तो इस तरह से अपर एंड प्रोलोंग होता है लेफ्ट में, जिसे हम बोलते हैं राइट ओरिकल, और ये कवर करता है, जो राइट ओरिकल है उसके तीन यहाँ पे फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, राइट ओरिकल को यहीं कवर कर देते हैं। राइट ओरिकल के तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि वो सबसे पहला कवर करता है रूट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा को, तो जो राइट ओरिकल है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, एक तरह से अपर एंड की प्रोलोंगेशन है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास असेंडिंग एओर्टा निकल रही होती है लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसके ऊपर से, तो जो राइट ओरिकल है वो रूट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा को कवर करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, पार्टली ओवरलैप्स द इन्फंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल का इन्फंडिबुलम है उसको भी थोड़ा बहुत ओवरलैप करने का काम करता है राइट ओरिकल। इसके अंदर की तरफ चलें तो जो राइट ओरिकल का इंटीरियर है ये थोड़ा स्पंज लाइक है, और स्पंज लाइक होने के कारण ये फ्री फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो एक तो खाली हो अंदर से तो फ्लो ऑफ ब्लड ईजिली हो पाएगा, वहाँ से वो स्पंज लाइक है, तो स्पंज में अगर आप देखोगे, अगर स्पंज में पानी चला जाए तो उसको दबाने पे ही वो बाहर निकलता है, अपने आप फ्लो नहीं करता, तो इंटीरियर इज स्पंज लाइक विच प्रिवेंट्स द फ्री फ्लो ऑफ ब्लड। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट ओरिकल के, नंबर वन रूट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा को कवर करता है, नंबर टू इन्फंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल को ओवरलैप करता है, नंबर थ्री उसके अंदर स्पंज लाइक होता है वो, जिस वजह से फ्री फ्लो ऑफ ब्लड को वो प्रिवेंट करता है क्या राइट ओरिकल? अपर एंड ऑफ राइट एट्रियम की प्रोलोंगेशन है लेफ्ट साइड में, जिसे हम बोलते हैं राइट ओरिकल। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक जो डायग्राम जो है वो आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको अभी तक का सारा समझ में आ जाएगा। तो इस वाले डायग्राम के थ्रू अब हम समझते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है हमारे पास एंटीरियर व्यू ऑफ हर्ट, तो ये है एंटीरियर व्यू ऑफ हर्ट, ठीक है। सामने से अगर हम हर्ट को देखें तो ये है हमारे पास राइट एट्रियम, ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, उसके अलावा ये बॉर्डर लाइन अगर हम माने तो इससे इधर वाला पार्ट, ये वाला सारा पार्ट, ये है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो ये एरो आपको दिखा रही है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम इस वाले डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है। तो इतना हमने देख लिया कि राइट एट्रियम कहाँ पे है, राइट साइड में है और अपर चैम्बर है, तो राइट अपर चैम्बर हो गया। नेक्स्ट मैंने बताया था राइट एट्रियम बनाता है राइट बॉर्डर ऑफ द हर्ट, तो ये वाला जो बॉर्डर है ये राइट बॉर्डर ऑफ हर्ट है, तो राइट बॉर्डर ऑफ हर्ट बनाया राइट एट्रियम ने, अपर बॉर्डर का थोड़ा सा पार्ट बनाया राइट एट्रियम ने, स्टर्नोकोस्टल सरफेस बनाया हर्ट का राइट एट्रियम ने, और थोड़ा बहुत पार्ट बेस ऑफ द हर्ट का भी बनाता है हमारे पास राइट एट्रियम। तो इस वाले डायग्राम में आपको ये सब चीज़ें दिख गई होंगी। अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें दिखाता हूँ, तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा ऊपर से आके ड्रेन करती है राइट एट्रियम में, इन्फीरियर वेना केवा नीचे से आके ड्रेन करेगी, इस डायग्राम में नहीं दिख रही है वो। तो ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, नीचे से इन्फीरियर वेना केवा, ये पूरी बॉडी का जो वेनस ब्लड है वो लेके आएंगे और ड्रेन कर देंगे राइट एट्रियम में, फिर वो वेनस ब्लड राइट एट्रियम किस में पंप कर देगा, राइट वेंट्रिकल में। तो यही काम होता है, ये फंक्शन हो गया राइट एट्रियम का। नेक्स्ट, अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स पे अगर हम चले तो मैंने सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर आपको बताया था कि चैम्बर इज एलोंगेटेड वर्टिकली, तो ऊपर से SVC आ रही है, नीचे से IVC आ रही है, तो दोनों मिलके ऐसे, मतलब ऐसा लगता है कि जो राइट वेंट्रिकल है, सॉरी राइट एट्रियम है, वो ऊपर से नीचे एलोंगेटेड है। तो देखो सिंपल सी बात है, इस तरह का कुछ इसका बन रहा है डायग्राम ऐसा सा, तो ऐसा तो बन नहीं रहा कि आप इसको हॉरिजॉन्टली एलोंगेटेड बोलोगे, तो ये वर्टिकली एलोंगेटेड है, ठीक है। मुझे पता है आपको ये वैसे समझ में आ गया होगा सिंपली बोलने से ही एलोंगेटेड वर्टिकली, पर फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत ऐसे ही समझा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो अपर एंड है, जो राइट एट्रियम का अपर एंड है, ये अपर एंड है राइट एट्रियम का, ये देखो लेफ्ट साइड में एलोंगेटेड है इस तरह से, तो जो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये मैं कलर कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है राइट एट्रियम का, इसे हम बोलते हैं राइट ओरिकल। तो ये है हमारे पास राइट ओरिकल। तो यही मैंने बोला था, राइट ओरिकल क्या है, अपर एंड जो है राइट एट्रियम का वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा एलोंगेट होके, या फिर एक तरह से बोल सकते हो प्रोलोंग होके क्या बना देता है, राइट ओरिकल। तो यहाँ पे राइट ओरिकल मैंने क्यों इतना ध्यान दे रहा हूँ राइट ओरिकल पे, क्योंकि राइट ओरिकल में एक चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट ध्यान देनी है वो ये है कि ये है हमारे पास एओर्टा, ठीक है, ये एओर्टा है, ये उसका असेंडिंग पार्ट है, ठीक है, ये है एओर्टिक आर्च, और यहाँ पे फिर वो डिसेंडिंग एओर्टा बन जाएगी। तो असेंडिंग एओर्टा के नीचे जो ये वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं
रूट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा, इसे हम बोलेंगे रूट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा। तो जो राइट ओरिकल है वो आप देखोगे रूट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा को कवर कर रहा है। तो यही सबसे पहला पॉइंट था राइट ओरिकल का कि वो कवर करता है रूट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा को। सेकेंड पॉइंट जो था वो ये था कि वो राइट वेंट्रिकल, ये देखो राइट वेंट्रिकल का जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। तो इन्फंडिबुलम जो है राइट वेंट्रिकल का, उसको भी थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है हमारे पास राइट ओरिकल। थर्ड पॉइंट ये था कि इसका इंटीरियर स्पंज लाइक होता है, जो मैं आपको इस डायग्राम में तो दिखा नहीं सकता। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है थोड़ा कि हर्ट हमारा कैसा दिखाई देता है और उसमें राइट एट्रियम और राइट ओरिकल कैसे दिखते हैं। अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके थर्ड एक्सटर्नल फीचर पे, दो की हमने बात कर ली। थर्ड फीचर ये है कि अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम ए शैलो वर्टिकल ग्रूव इज प्रेजेंट पासिंग फ्रॉम SVC टू IVC। SVC मतलब सुपीरियर वेना केवा, IVC मतलब इन्फीरियर वेना केवा। तो हमारा जो राइट एट्रियम है ये मान लो हमारा नॉर्मल सा हर्ट है, ठीक है, ऊपर से आया सुपीरियर वेना केवा, नीचे से आई इन्फीरियर वेना केवा। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करें सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा की तरफ, एक लाइन ऐसे ज्वाइन करें एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द राइट एट्रियम पे, तो वहाँ पे आपको एक ग्रूव देखने को मिलता है, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा के बीच में एक ग्रूव जाता है, वर्टिकल ग्रूव, थोड़ा सा ही मतलब ऐसा दिख जाता, मतलब डीप भी नहीं होता, शैलो ही होता है, शैलो वर्टिकल ग्रूव होता है राइट बॉर्डर के अलोंग है। देखो राइट बॉर्डर है ये राइट एट्रियम का, तो उस ग्रूव को हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सल्कस टर्मिनलिस। अगर हम बात करें थोड़ा सा इंटीरियर में जाएं राइट एट्रियम के, तो सल्कस एंड टर्मिनलिस जहाँ पे था बाहर की तरफ, वहीं अगर हम एट्रियम को काट के अंदर की तरफ देखें तो सल्कस टर्मिनलिस का ग्रूव किस लिए बनता है, क्योंकि अंदर की तरफ एक मस्कुलर रिज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस। तो सिंपल सी बात यह है कि अंदर की तरफ, मान लो एक चीज़ समझना, ऐसे स्ट्रेट लाइन से मैं समझा रहा हूँ, मान लो अगर हम कट सेक्शन देखें तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी हमारे पास, ये राइट एट्रियम हो गया जैसे, तो उसके अंदर की तरफ मैंने बोला एक रिज है, ठीक है। तो कट सेक्शन में तो इतनी ऐसे ही दिखाई देगी, तो ये हमारे पास मान लो रिज होगी अंदर की तरफ। तो कहीं भी अगर अंदर की तरफ रिज होती है तो बाहर की तरफ एक ग्रूव बन जाता है, सिंपल सी बात है, गड्ढा सा बन गया बाहर की तरफ। तो सिंपल सी बात ये है कि बाहर से अगर हम देखेंगे तो एक गड्ढा दिखाई देगा, वर्टिकल ग्रूव दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। और वहीं सल्कस टर्मिनलिस का जो ग्रूव है वो उसी को अगर हम अंदर से देखें तो अंदर से एक रिज दिखाई देती है, जिसे बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस। तो ऐसे बोलते हैं कि जो बाहर की तरफ जो एक ग्रूव बना है ना, वो क्रिस्टा टर्मिनलिस के कारण ही बना है, क्योंकि अंदर की तरफ रिज जो है क्रिस्टा टर्मिनलिस, वही ग्रूव प्रोड्यूस कर रही है बाहर की तरफ सल्कस टर्मिनलिस। तो अंदर की तरफ क्रिस्टा टर्मिनलिस, बाहर की तरफ सल्कस टर्मिनलिस, ठीक है। अंदर की तरफ सी, बाहर की तरफ एस, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट जो सल्कस टर्मिनलिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अपर पार्ट है सल्कस टर्मिनलिस का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है SA नोड। तो यहाँ पे ही कहीं SA नोड प्रेजेंट होता है, हमें पता है SA नोड की पोजीशन होती है राइट अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम के राइट अपर पार्ट में ही हमारा SA नोड या फिर साइनियो एट्रियल नोड प्रेजेंट होता है। तो जो अपर पार्ट है सल्कस टर्मिनलिस का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है SA नोड, जो काम करता है पेस मेकर ऑफ द हर्ट का। तो SA नोड का काम हमें पता ही है, पेस मेकर ऑफ हर्ट का काम करता है ये। तो तीन एक्सटर्नल फीचर हो गए। लास्ट एक्सटर्नल फीचर है कि जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव की हम बात करते हैं, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव ग्रूव है, राइट साइड में है, एक्सटर्नल फीचर है, तो बाहर की तरफ प्रेजेंट है। जहाँ पे ये हर्ट है हमारा, ये देखो, जहाँ पे बाहर से अगर हम देखेंगे तो एट्रियम और वेंट्रिकल को जो चीज़ अलग कर रही है ना, उसे हम बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव प्रेजेंट है बाहर की तरफ, उसे बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ये राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से अलग करता है। उसके अलावा इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ग्रूव है तो ग्रूव में कोई भी चीज़ घुस सकती है। तो इसमें एक तो आर्टरी घुसती है और एक वेन घुसती है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो प्रेजेंट होती है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में, फिर इसको हम राइट कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको राइट कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी है इसलिए कोरोनरी सल्कस बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में एक तो आती है राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी आती है स्मॉल कार्डियक वेन, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ट्रिब्यूटरीज या फिर इनलेट्स ऑफ द राइट एट्रियम, मतलब कौन कौन सी चीज़ें राइट एट्रियम में आके ओपन हो रही है। तो टोटल छः चीज़ें ऐसी हैं जो राइट एट्रियम में ओपन होती हैं। दो हमें पता है, सुपीरियर वेना केवा मतलब SVC, इन्फीरियर वेना केवा मतलब IVC। ये दो तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो दो मेन बड़ी बड़ी वेन्स हैं जो आके खुलती हैं हमारे राइट एट्रियम में। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वेन है हमारे हर्ट की, वो है कोरोनरी साइनस।
सबसे बड़ी वेन हार्ट की है कोरोनरी साइनस, ये ओपन होती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट में। ये कहाँ ओपन होती है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ हार्ट में ओपन होती है ये, हार्ट नहीं, राइट एट्रियम में, पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम में खुलती है कोरोनरी साइनस। उसके अलावा एंटीरियर कार्डियक वेन्स भी ओपन होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स होती हैं, ये भी ओपन होती हैं हमारे राइट एट्रियम में। ये शायद एंटीरियरली ओपन होते हैं, ठीक है? तो एंटीरियर कार्डियक वेन्स एंटीरियरली खुलती हैं राइट एट्रियम में, और कोरोनरी साइनस पीछे से आके ड्रेन करता है राइट एट्रियम में। उसके अलावा कुछ और छोटी छोटी वेन्स होती हैं, जिसे हम थीबेशियन वेन्स बोलते हैं या फिर वेना कॉर्डिस मिनिमा बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा एक और होती है समटाइम्स राइट मार्जिनल वेन। तो ये छह चीज़ें जो हैं ओपन होती हैं हमारे राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन्स, वेना कॉर्डिस मिनिमा और राइट मार्जिनल वेन। ठीक है, तो राइट मार्जिनल वेन, तो ये हमारे पास छह चीज़ें हैं जो ओपन होती है राइट एट्रियम में। अब लास्ट टॉपिक जो है इस वीडियो का उस पर चलते हैं, वो है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस। अभी एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव था, अब ओरिफिस आ गया, मतलब सुराग, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सुराग। तो कहाँ? अंदर की तरफ ही प्रेजेंट होगा सुराग, बाहर तो होगा नहीं। तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जो एट्रियम से जो ब्लड है जो वेंट्रिकल में जो जाता है वो जाता है किसके थ्रू? एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस के थ्रू। सो ब्लड पासिस आउट ऑफ द राइट एट्रियम थ्रू द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस, और इसको हम ट्राइकस्पिड ओरिफिस भी बोलते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एंड गोज टू द राइट वेंट्रिकल। द ट्राइकस्पिड ओरिफिस इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो ट्राइकस्पिड ओरिफिस है वहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करती है, मतलब वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड को वापस नहीं जाने देगी, सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल में ही ब्लड को जाने देती है। तो ये हमने बात की यहाँ पे राइट एट्रियम के बेसिकली जनरल फीचर्स की और उसके एक्सटर्नल फीचर्स की, बाकी हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें उसमें ओपन होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे इसके इंटरनल फीचर्स की। सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सर्च करना एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस ऑन टेलीग्राम, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।